नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो है सरकार की तरफ से तीन अपडेट निकल के आई है। तीनों अपडेट के बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि आखिर तीन अपडेट क्या निकल के आया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे न्यू वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि जो पहला अपडेट निकल के आया हुआ है वो अपडेट क्या है। तो पहला अपडेट के बारे में हम बात करें कि जो भी आप आय जाति और निवास बनाते थे अंचल अधिकारी के अंतर्गत, तो अब उसको जो है राजस्व अधिकारी के अंतर्गत कर दिया गया है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। साथ ही साथ कुछ और भी यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो भी राजस्व अधिकारी ही जारी करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी क्लियर जानकारी नहीं दिया गया है, जैसे ही क्लियर जानकारी मिलेगा तो आपको जो है जानकारी दे दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि जो आपके अंचल के सीईओ होते हैं यानी कि सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनके पास जो है बहुत सारा काम होता है। ऐसे में आप सभी को पता ही होता है कि जो भी आपका जाति निवास और आय प्रमाण पत्र होता है उसका बनाने का जो समय होता है नॉर्मल का 10 दिन का होता है। ऐसे में आप जनरली देखते हैं कि 15 दिन 20 दिन मतलब एक महीना तक जो है लोगों का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाता। लेकिन अभी जो रेवेन्यू अफसर के अंदर जो मतलब सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, यानी कि जो आपका राजस्व अधिकारी है उनके अंदर जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो जो है जल्दी बन जा रहा है, ठीक है। तो सीईओ साहब के पास टाइम ना मिलने के चलते, सिग्नेचर ना होने के चलते जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा था, तो इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे बदलाव कर दी है। अब आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको सीईओ लेवल से मिलता था, अब जो है आपको आरओ लेवल से मिलेगा, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो ये जो है पहला अपडेट था। और भी कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो आरओ लेवल से किए जा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ जो जन्म प्रमाण पत्र का, जो भी लोग जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो पहले जो है लंबा प्रोसीजर इसमें फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है ये कहा गया है कि जो भी आपके कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उन्हीं के अधीन जो है सारे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का काम किया जाएगा। इधर उधर फाइल दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो है पहला अपडेट था, बहुत ही बढ़िया अपडेट था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो यहाँ पे मॉडर्न रूम बनाए जा रहे हैं जिसमें सभी दस्तावेज रखे जाएंगे, ऑनलाइन तरीका से आप उसको निकलवा सकते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे ऑपरेटर यहाँ पे लगने वाले हैं। तो उसके लिए 534 डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली है बहुत दिनों से लंबित है। आप सभी को पता ही है कि अगर आप बेल्ट्रान के थ्रू एग्जाम वगैरह वगैरह क्वालिफाई करके वेटिंग लिस्ट में है तो आपका जो है इसी महीना जॉब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे है लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी 534 ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है जिनका यहाँ पे बेल्ट्रान के थ्रू सारा चयन प्रक्रिया करके उनको वेटिंग में रखा गया है, उनका जो जॉब है इसी साल लगने वाला है, सॉरी इसी साल नहीं इसी महीने लगने वाला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में। तो इसी महीने जो है हो सकता है कि महीना के लास्ट तक या फिर अगले महीने तक जो है इन लोगों का ज्वाइन कर दिया जाए। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे आपके अंचल में डिजिटल जो मॉडर्न रूम बनाए जाएंगे जिसमें सभी तरह के डिजिटल जो दस्तावेज है वो रखे जाएंगे, उसी को आपको देखना है, उसी में आपको डाटा एंट्री करना है, उसी के रिगार्डिंग जो है आपको सारे काम करना है। तो जो है बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा लेट से आपको काम मिल रहा है लेकिन काम जो आपको मिलेगा बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो इसके थ्रू जो है आप काम कर सकते हैं और अपने बिहार के लिए बहुत ही अच्छे काम मतलब कर सकते हैं, जिससे जो भी लोगों का दस्तावेज है, जो भी लोगों का मान लीजिए किसी भी तरह का मतलब ज़मीन से जुड़ी दस्तावेज है उसको जो है आप ही को एंट्री करना है और आप ही को देख रेख करना है सीईओ के अंदर। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि तीसरा अपडेट क्या निकल के आ रहा है। तीसरा अपडेट जो है बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रिसेंटली बिहार में 16 से लेकर 25 ऐसे ज़िले हैं, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया था कि यास तूफान से और साथ ही साथ यहाँ पे जो बाढ़ के बाढ़ से क्षति हुआ है, जो भी यहाँ पे फसल क्षति हुआ है उसका जो है मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में पहले जो है कंडीशन रखा गया था कि जिनका फसल खेत में लगा हुआ था उन्हीं का जो है नुकसान का पैसा देना था, लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जिनके खेत में फसल नहीं भी लगा है, जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ के चलते आपने फसल खेत में नहीं भी लगाया है तो क्या आपको जो है मुआवजा यहाँ पे सरकार देगी, आप कृषि इनपुट अनुदान के तहत जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो है सरकार यहाँ पे पैसे देगी। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया अपडेट है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बाढ़ आने से पहले लोग मतलब सोचते हैं कि हम क्या फसल लगाएंगे तो फिर नुकसान ही हो जाएगा। तो इस तरह के अगर आपके पास कंडीशन है, आपने अपने खेत में फसल नहीं लगाया था तो भी आप यहाँ पे कृषि अनुदान के तहत जो है पैसे ले सकते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आज तूफान के रिगार्डिंग फसल नुकसान हुए हैं उसका जो है कृषि इनपुट के लिए आवेदन तो स्टार्ट है, आप सभी को पता ही है।
तो उसमें आपको, आप लोग फॉर्म फिल कर लिए होंगे, लेकिन जिनका भी बाढ़ के चलते नुकसान हुआ है उनका भी जल्द यहाँ पे आकलन करके फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। तीन तरह के अपडेट निकल के आ रहे थे जो मैं आपको बताना बेहद जरूर समझ रहा था। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला हुआ है और लगभग 1200 से लेकर 1500 लोगों ने कमेंट करके हमारा सपोर्ट किया है कि नहीं आप अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों का मोटिवेशन और आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता है तो वीडियो बनाने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने का मन करता है। तो बस ये छोटा जानकारी था, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।